मिट्टी से बनी ये बहुमंजिला इमारतें देखकर हैरान रह जाते हैं लोग। मिट्टी के घर या झोपड़ियां बनी आपने देखी होगी, लेकिन आपने सीमेंट और लोहे के दौर में ऐसी इमारतें देखी हैं जो पूरी तरह से मिट्टी से बनी हो। ऐसी इमारतें जो मिट्टी की होने के बाद भी सर्दी, गर्मी और बारिश में जस की तस बनी रहती हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी आश्चर्य करने वाली इमारतें जिन्हें देखने कई पर्यटक पहुँचते हैं। दरअसल मध्य पूर्वी देश यमन के शिबम शहर को रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, क्योंकि यहां एक नहीं कई गगनचुंबी इमारतें हैं। और खास बात यह है कि यह सभी मिट्टी की बनी हुई हैं। तकरीबन 16वीं शताब्दी में बनी ये इमारतें अपने आप में आश्चर्य हैं। यहां तकरीबन 7000 लोग रहते हैं। शिबम एशिया, अफ्रीका और यूरोप जाने वाले मार्ग के बीच में बसा हुआ है। यहां के लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं। जानकारों के मुताबिक सन 1530 में यहां आई भयानक बाढ़ के चलते यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बाद यहां इन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण मिट्टी से किया गया। यहां ऐसी तकरीबन संख्या 500 से ज्यादा इमारतें हैं। इनमें कुछ 5 मंजिला हैं, तो कुछ 11 मंजिला तक। यह एक तरह से दुनिया की सबसे ऊंची मिट्टी से बनी इमारतें हैं। इन्हें दुनिया का आश्चर्य भी कहा जाता है। यहां के लोग इन इमारतों की ठीक से देखभाल भी करते हैं। हालांकि यह आज भी प्रकृति की मांच से बची हुई है। हालांकि साल 2008 में आए भयावह तूफान के चलते इन इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन यहां रह रहे लोगों ने इसमें समय रहते सुधार किया और इसे संरक्षित कर लिया। यह इमारतें दूर से दिन और रात में भी काफी सुंदर दिखाई देती हैं। इनकी सुंदरता का अंदाजा आप इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। सुनहरी सफेद करीने से झांकती इनकी खिड़कियां इन्हें बहुत ही खूबसूरत शक्ल देती हैं। इन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है।